हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अल्फिशान मलिक और आम इन्फॉर्मेशन के साथ आज हम बात करने वाले हैं बेसिक स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर इससे पहले आपने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। तो पहले हम बात करते हैं क्या है स्टॉक मार्केट। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आपको सब्जी लेनी है तो आप जाएंगे नियरेस्ट आपकी सब्जी मार्केट में और वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप सब्जी खरीद सकते हैं कम रेट में। उसी तरह से देश में चलने वाली अच्छी इंडस्ट्री में निवेश करना है तो आप स्टॉक मार्केट में जाके निवेश कर सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट से हमें कितना रिटर्न मिलता है। स्टॉक मार्केट हमें 15% से 12% तक का रिटर्न एनुअली देता होता है, जो FD और गोल्ड से बहुत ही अच्छा है। गोल्ड हमें 5% जितना एनुअली रिटर्न देता है और FD हमें 6-7% का रिटर्न देता होता है। अब ये तो हमें पता चल गया कि कितना रिटर्न मिलता है, बट उससे पहले हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। अब बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग का वीडियो देखना पड़ेगा। उसको देखने के बाद ही आप आगे का स्टेप ले सकते हैं जिसको स्टॉक मार्केट में निवेश करना कहते हैं। उसके लिए आपको पहले टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और कंटिंजेंसी प्लान को समझना पड़ेगा। अब स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए पहले तो आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से आप स्टॉक को वॉच कर सकते हैं, स्टॉक ले सकते हैं और बेच सकते हैं। पहले के समय में ये नहीं होता था। पहले के समय में लोग को बॉन्ड या पेपर के रूप में स्टॉक्स लेने पड़ते थे। अभी आप एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले में कुछ एप्लीकेशंस दिखा रहा हूँ और उस पर्टिकुलर ब्रोकर्स के कॉन्टैक्ट भी मैं अब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप जान सकते हैं उनके चार्जेस क्या होते हैं। ऐसे तो इन एप्लीकेशंस के चार्जेस बहुत ही माइनर होते हैं, जैसे कि कुछ ट्रेडिंग चार्ज होते हैं जो आप ट्रेड करते हैं उसके ऊपर लगता है, एनुअल चार्ज होता है वो आपके अकाउंट को मेंटेन रखने के लिए, और ब्रोकरेज चार्ज होता है जो ब्रोकर आपको गाइडेंस और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है उसका कुछ चार्जेस होते हैं, बट वो बहुत ही माइनर होते हैं। अब उससे पहले हमें पता होना चाहिए NSE क्या है। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों अपने देश की स्टॉक मार्केट की मंडी है जहाँ से आप स्टॉक ले सकते हैं और बेच सकते हैं, और ये दोनों बॉम्बे में अवेलेबल है। अब उन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंडेक्स है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है निफ्टी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है सेंसेक्स। निफ्टी के अंदर अपने देश की टॉप 50 कंपनियां आती है और सेंसेक्स के अंदर अपने देश की टॉप 30 कंपनियां आती है। आप निफ्टी को फॉलो करके इन सेंसेक्स को भी फॉलो कर ही लेंगे, यानी कि आपको निफ्टी को वॉच कर सकते हैं और निफ्टी से आपको सेंसेक्स के बारे में भी पता चल जाएगा, क्योंकि 30 कंपनियां हैं जो 50 के अंदर आई जाती है। यहाँ पे मैं आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट दिखा रहा हूँ जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक अवेलेबल है और जिस तरह से आप उस कंपनी के रेट जान सकते हैं। और ये मार्केट अवेलेबल होता है मंडे टू फ्राइडे के लिए। मंडे टू फ्राइडे के लिए ये आपको 9:15 से 3:45 के बीच में मिलता है। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ऐसे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनीज अवेलेबल है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 प्लस कंपनीज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1600 प्लस कंपनीज अवेलेबल है, लिस्टेड है, जहाँ पे आप अपना निवेश कर सकते हैं। अब आप कौन सी कंपनी में और कब निवेश करें उसके लिए आपको पहले मार्केट को जानना होता है। मार्केट को जानने के लिए आप गूगल पे स्टॉक मार्केट न्यूज़ देख सकते हैं, या तो फिर आप पेपर के अंदर बिजनेस न्यूज़ का आर्टिकल भी रीड कर सकते हैं, और बेस्ट अगर आपको जानना है तो मनी कंट्रोल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके सब आप वॉच कर सकते हैं कि मार्केट किस कंडीशन में है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।